रोहित शर्मा के खिलाफ फैसला आया, बीसीसीआई ने अपना नया फरमान सुनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जरूर पहले पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पर कोई प्रैक्टिस मुकाबला नहीं खेलेगी। लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस तो कर ही रही है, साथ ही वहां पर इंट्रा स्क्वाड मुकाबले भी खेलेगी। यानी कि जो रोहित शर्मा का फैसला है उस फैसले के खिलाफ ये फैसला आया हुआ है। दरअसल अगर बात करें इंट्रा स्क्वाड मुकाबले की, जो अपडेट सामने आ रही है कि भारतीय टीम इंट्रा स्क्वाड मुकाबले खेलेगी। 3 दिन का ये मुकाबला खेला जाएगा, 15 तारीख से 17 तारीख के बीच ये मुकाबला होगा, जो पर्थ के वॉका में खेला जाएगा, जो कि रोहित शर्मा ने पहले मना कर दिया था कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा। और ये जो मुकाबला काफ़ी अगर आप देखें तो एक तरीके से पहरेदारी में हो रहा है, क्योंकि स्टेडियम ढका हुआ है और साथ ही जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी फ़ोन की इजाज़त भी नहीं है कि उसका कुछ वो कैप्चरिंग कर पाएँ, कुछ रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है और ये कई सारे जो अखबार हैं ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने भी इस खबर को कवर किया है। लेकिन अगर बात करें पहले मुकाबले की, तो पहला मुकाबला खेला जाएगा 22 तारीख से, तो उससे पहले टीम इंडिया की तैयारी हो जाएगी। लेकिन रोहित शर्मा ने ये क्यों अपडेट दी थी, रोहित शर्मा ने ये क्यों कहा था कि भाई टीम जो है कोई इंट्रा स्क्वाड मुकाबले या इस तरीके की चीज़ें नहीं खेलेगी, उनके कहने की वजह ये थी वो नहीं चाहते थे कि भाई भारत के लिए अगर आप देखें सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोहित नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में या फिर इस तरीके का कोई प्रैक्टिस मुकाबला हो वहाँ पर चोटिल हो जाए, लिहाजा उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। लेकिन अब जो आया है ये दिखाता है कि टीम इंडिया बीजीटी को हल्के में नहीं ले रही है और तैयारियों के लिहाज से ये इंट्रा स्क्वाड मुकाबले यानी कि आपस में ही स्क्वाड बनाकर मुकाबले हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से ये मुकाबले होते हैं और जैसे कुछ जानकारी आएगी हम आपको ग्राउंड से अपडेट देते रहेंगे। लेकिन प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट रही है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।